केंद्र और स्टेट से जुड़ी मुख्य इन्फॉर्मेशनों और जानकारियों को जानने के इच्छुक तमाम विद्यार्थियों और मित्रगणों को मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम अपने इस सेशन में बिहार डीएलएड ऑनलाइन फॉरम 2022 के बारे में फुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, बिहार डीएलएड ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में। और इसका यूज है कि आप 1 से 5 क्लास तक के टीचर बन सकते हैं अगर इस कोर्स को आप कंप्लीट कर लेते हैं, कोचिंग क्लासेस या स्कूल अपना स्वयं का ओपन कर सकते हैं। इसका जो अप्लाई है वो 27/6/2022 से होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसका 17/7/2022 है, जो नोटिफिकेशन से हमने इसको नोट किया है। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है जिसमें आपको बताया गया है यहाँ पे कि ये 22 से 24 सेशन के लिए है, ठीक है, जो 27/6/2022 ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और 17/7/2022 इसका अंतिम तारीख है। आप अगर इसके इच्छुक हैं, अगर बिहार डीएलएड करने के इच्छुक हैं, अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं, टीचर के रूप में अपना एक करियर बना सकते हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करें। इसके लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है और टोटल सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5% तक की छूट दी जाएगी इसमें। अगर आपके ओवरऑल मार्क्स 45% हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज निर्धारण किया गया है, न्यूनतम आयु आपकी जो है वो 1 जनवरी 2022 तक 17 वर्ष पूर जानी चाहिए। देखिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा कोर्स। कोर्स का नाम है बिहार डीएलएड कोर्स। जो है ये 2 ईयर का आपका होने वाला है, डिप्लोमा कोर्स होगा और कुल सीट 28,850 है। बिहार में 300 कॉलेज हैं इसके, उसे यह अनुमान लगाकर निकाला गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10 चाहिए, 10+2 आपको चाहिए। अगर जनरल ईबीसी ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 960 रुपये फॉर्म का अप्लाई देना होगा कर लेते समय। अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 760 रुपया फॉर्म अप्लाई करते समय देना होगा। बिहार डीएलएड एग्जामिनेशन जो है वो ऑफलाइन मोड और ओएमआर सीट पे आपसे लिया जाएगा। क्वेश्चन टाइप्स एमसीक्यू होगा, टोटल नंबर क्वेश्चन होंगे 150 और आपको इसके लिए 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल मार्क्स 450 होंगे, चूँकि एक क्वेश्चन जो आपका होगा वो 3 मार्क्स का होगा और -1/3 का आपका निगेटिव मार्किंग होगा। इसमें आपके 6 सब्जेक्ट होंगे, जनरल हिंदी उर्दू। अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी ले सकते हैं, उर्दू लेना चाहते हैं तो उर्दू ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ में आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस में 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस में आपसे 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से 25। तो कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कुछ आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके पास होने चाहिए, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, मार्कशीट और इंटर के मार्कशीट, मैट्रिक के मार्कशीट, ये सब होने चाहिए, फोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह जो आपको अप्लाई करते समय चाहिए। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले और ये स्क्रीनशॉट ले ले, कौन कौन सी चीज़ चाहिए इसको आप तुरंत तैयार करवा लें। और 10 तारीख से पहले 10 तारीख तक आप अगर अपना फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि उसके बाद सर्वर जो है बहुत वीक काम करने लगता है जैसे नज़दीक जाता है। तो आप अगर डालना है तो आप डालें और आप कन्फर्म, मैं तो कहूँगा कि अगर आप ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई कोर्स दूसरा नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो आप इंटर पे इसे कर लें, क्योंकि इससे आप 1 से 5 के क्लास तक के टीचर बन सकते हैं। और देखते हैं कि जो सीट आती हैं उसमें से बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं और फिलहाल अभी 2-3 महीने के भीतर ही 80,000 सीटें केवल बिहार में आने वाली हैं शिक्षकों की बहाली के लिए। तो आप इस कोर्स को ज़रूर करें, आप अगर कुछ नहीं हुआ तो टीचर तो आप ज़रूर बन जाएंगे। तो कोर्स करके रखेंगे तब ना, या आप कोर्स करके रखेंगे आपका जॉब लगेगा तो आपको 25 से 20 के बीच में आपका सैलरी होगा। 8 घंटे आपको बच्चों को प्यार से पढ़ाना है, उन्हें समझाना है और उसके बाद जो समय मिलता है उसमें आप तैयारी करके किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और वहाँ अपना करियर बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, मैं तो कहूँगा कि आप इस कोर्स को ज़रूर करें। और इसको अगर सरकारी से आप करते हैं, अगर टेस्ट एग्ज़ाम निकाल करके आपका अच्छा रैंक आ जाता है तो आप इसे 20,000 में आप 2 साल में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप अगर इस कोर्स को प्राइवेट से करना चाहते हैं तो आपको 80 से 1 लाख के बीच में खर्चा आएगा। तो अच्छा है कि आप इंट्रेंस एग्ज़ाम निकालें और इंट्रेंस एग्ज़ाम तो हर चीज़ के लिए देना होगा, क्योंकि अगर यहाँ आपको अच्छा रैंक नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट में जा सकते हैं, नहीं तो अच्छा मिल जाएगा तो आपका 20,000 में पूरा 2 साल में ये जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छा है, इस फॉर्म को आप ज़रूर डालें। तो
धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।